हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑफ अनदर वीडियो इन यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सी एंड सिविल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में सिखाऊंगा हाउ टू कैलकुलेट लैंड एरिया इन स्क्वायर फीट में। फ्रेंड्स, आपका प्लॉट डिफरेंट डिफरेंट साइज में होता है, मैंने काफ़ी यूट्यूब पर देखा है, काफ़ी मैंने सर्च किया है, उसमें सभी से क्या करते हैं, बस ओनली रेक्टेंगल में बता देते हैं कि आपका प्लॉट ओनली रेक्टेंगल में ही है, कि आपका प्लॉट इस शेप में नहीं हो सकता है, इस शेप में ही हो सकता है। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में सिखाऊंगा डिफरेंट शेप में आपका प्लॉट डिफरेंट शेप में होगा तो उसका एरिया स्क्वायर फीट में कैसे निकालते हैं। ओके फ्रेंड्स, अगर आपका प्लॉट गज में चाहते हैं, मीटर में चाहते हैं, तो आप वो कन्वर्जन फैक्टर मैंने बनाया हुआ है वीडियो में, आप उसको देख सकते हैं हाउ टू लेंथ प्ले लिस्ट में जाए। ओके फ्रेंड्स, तो मैं आज सिखा रहा हूँ इसमें हाउ टू कैलकुलेट इन फीट में, स्क्वायर फीट में। फ्रेंड्स, आगे से पढ़ने पहले अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए सिविल इंजीनियर टेक्नोलॉजी, साथ में बेल आइकन ऑन कर ले ताकि मैं जो भी न्यू अपलोड वीडियो अपलोड करूँगा सबसे पहले आप उसको देखें। फ्रेंड्स, कोई भी वीडियो मिस ना करें, क्योंकि जो भी मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ सिविल साइड इंजीनियरिंग से रिलेटेड प्रैक्टिकली नॉलेज अपलोड कर रहा हूँ, अगर आप उसको मिस कर देंगे फ्रेंड्स, वो आपकी नॉलेज के लिए रहेगी। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। चलो आगे शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आपका प्लॉट इस शेप में हो सकता है, रेक्टेंगल शेप में हो सकता है, या फिर इस तरह से इरेगुलर शेप में। ओके फ्रेंड्स, इस तरह से आपका प्लॉट हो सकता है, तो इसका एरिया कैसे निकालें। फ्रेंड्स, जो आज इस मैं सिखाऊंगा तो मैं ये चीज़ सिखाऊंगा आपको इस फोर्थ। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको चाहिए ट्रायंगल में तो मैं इनका एरिया निकाल के बता चुका हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आपका एरिया है इस तरह से जिसमें पाँच कोण होते हैं 1 2 3 4 5, तो इसका एरिया भी आप इससे रेक्टेंगल से निकाल सकते हैं, वो एरिया भी मैं आपको वीडियो में बता चुका हूँ, उसमें आप देख सकते हैं कैलकुलेट लैंड एरिया। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें आप क्या करेंगे, ये इस सेक्शन बना लेंगे इस तरह से। ओके फ्रेंड्स, जितने आप सेक्शन बनते हैं, जैसे आपके ये 3 सेक्शन बन गए तो इसमें इस तरह बना सकते हैं, ऐसे ही इसमें सेक्शन जितने बन सकते हैं फ्रेंड्स उतने बना लीजिए। तो इस तरह से आप इसका तीनों का एरिया निकाल सकते हैं, आपकी आउट आउटर लेंथ है। आप उसमें अच्छे से क्लियरली मैंने बता दिया वीडियो में, आप उसको देख सकते हैं। तो आज मैं ये डिफरेंट डिफरेंट साइज में किस तरह से प्लॉट का एरिया निकालते हैं तो बताता हूँ। ओके फ्रेंड्स, चलो आगे शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सपोज कीजिए आपका प्लॉट है रेक्टेंगल साइज में, तो उसकी आपके पास लंबाई है और चौड़ाई है। ओके फ्रेंड्स, लेंथ है, सपोज कीजिए वाली जो लेंथ है 53 फीट 2 इंच, 53 फीट 2 इंच है, और चौड़ाई है 12 फीट 4.5 इंच। ओके फ्रेंड्स, तो इसकी लंबाई क्या निकालेंगे, फ्रेंड्स एरिया क्या निकलेगा। तो एरिया निकालने के लिए फ्रेंड्स फार्मूला सिंपल होता है, लेंथ टू ब्रेथ, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें लंबाई क्या आएगी फ्रेंड्स, 53.166। फ्रेंड्स, यहाँ पे तो फिट था 53.2 इंच, तो यहाँ पे मैंने कैसे लिया ये 53.166। तो फ्रेंड्स, क्या आपको पता है जो लेंथ है 0.166 ये कहाँ से आया। चलिए फ्रेंड्स, ये मैं वीडियो बता चुका हूँ प्लॉट एरिया में कैसे निकालते हैं, तो आप दोबारा बता देता हूँ मैं। फ्रेंड्स, सपोज कीजिए आपके पास 1 फीट है, आपको पता है स्टैंडर्ड है 1 फीट में 12 इंच होते हैं, तो 1 इंच में कितने फीट होंगे फ्रेंड्स, 1/12 ये फीट हो जाएंगे। तो इसको हम कन्वर्ट 1/12 को डिवाइड करेंगे 12 से, तो 0.083 एक इंच में हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर हाफ इंच की बात करें, 1/2 की बात करें 0.5 है, तो 0.416 ये आएगा अगर हाफ इंच की बात करते हैं। ओके फ्रेंड्स, अगर जो भी है आपका 3/4 इंच है, अगर ये भी है तो इसको आप 4 से डिवाइड करेंगे। ओके फ्रेंड्स, समथिंग ये आएगा। ओके फ्रेंड्स, 0.75 इंच आया है, तो इसको आप किस में डिवाइड करेंगे, 0.75 यहाँ पे है 0.5, तो यहाँ पे 0.75 आ गया, इसको भी डिवाइड से डिवाइड कर देंगे, तो ये आपको फिट में आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, इस तरह से आपको सब ये फिट आ जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, अगर 4 इंच का करना है तो 4 को सिंपल 4 से डिवाइड कर देंगे 12 से, तो ये फिट आ जाएगा आपके पास। ओके फ्रेंड्स, तो ऐसे टेबल बना लीजिए, उसको याद कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए याद होने के लिए। अगर इंडिकेटर डबल इंच और डबल डैश से, तो ये फ्रेंड्स इंडिकेट करेगा इंच से, अगर सिंगल डैश है फिट से। चलिए मैं ये मेथड बताऊंगा लास्ट में। इसमें फ्रेंड्स क्या करना है, आपके पास आपका लेंथ है, फिट है, फिट को एज इट इज ऐसे रख दिया है, अब 2 इंच को हमने फुट में कन्वर्ट किया, तो 53.2 इंच का क्या फ्रेंड्स 0.166, तो 0.166 ऐसे एज इट इज रख दिया हमने, और ऐसे ही चौड़ाई है 12.03475। ओके फ्रेंड्स, तो 12 एज इट इज़ 4.5 इंच है, तो 4.5 इंच को कैसे किया फ्रेंड्स 4.333, और आधा इंच में कितने होते हैं फ्रेंड्स प्लस कर देंगे 0.416, तो ये आ जाएगा।
ओके फ्रेंड्स, या फिर आप कर सकते हैं 4.5 डिवाइड बाई 12 इज डायरेक्ट। ओके फ्रेंड्स, तो आपका 12.375 आएगा। तो इसको कैलकुलेशन करने पर आता है फ्रेंड्स 657.929 स्क्वायर फीट, या फिर आपको 657.93, अगर ये 9 है तो यहाँ पे इसके बढ़ जाएगा तो स्क्वायर फीट, ये आपका लैंड एरिया आएगा। फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि आप देसी गांव से देसी भाषा में हैं तो कोई समझ नहीं पाता है, तो फ्रेंड्स आप इसको इंच में कन्वर्ट कर लेंगे सबसे। अगर आप ये नहीं चाहते कि पॉइंट में मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको सिंपल ये भी कर लेंगे, आपको पता है एक फीट में 12 इंच होते हैं, तो स्क्वायर फीट में कितने होंगे 144 इंच। तो एरिया फार्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, आपके पास है 53 फीट, इसको आप कन्वर्ट कर लिए इंच में, तो क्या करेंगे एक फीट में 53, एक फीट में 12 इंच होते हैं, तो इसको आपको ये इंच आ जाएगा। अब प्लस 2 इंच, 2 इंच कहाँ से फ्रेंड्स, ये 2 इंच, तो प्लस 2 इंच कर दिया मैंने, आपका ये इंच कन्वर्ट होगा, टोटल इंच, लंबाई को आपने टोटल को लंबाई को इंच में कन्वर्ट कर लिया है। ऐसे ही आप इसमें करेंगे, ये फ्रेंड्स क्या है 12 फीट, आपने 12 फीट को इंच में कन्वर्ट कर लिया, 12 इंटू 12, एक फीट में 12 इंच होते हैं, तो ये इंच हो गए टोटल एक फीट में 12 इंच फीट में, प्लस ये क्या है 4.5 इंच, तो आपको 4.5 इंच, ये भी इंच आ गया। तो टोटल इंच कितने आएंगे आपके पास, ये इंच एंड ये इंच, कैलकुलेशन करने पर आता है आपके पास ये चीज़। ओके फ्रेंड्स, इसको डिवाइड करेंगे फ्रेंड्स 144 से डिवाइड किस लिए किया, फुट में कन्वर्ट करने के लिए, क्या आपको पता है एक फीट स्क्वायर में 144 इंच होते हैं, आपके पास स्क्वायर इंच है और एक फीट में कितने स्क्वायर इंच होते हैं ये, तो आपके पास ये ही एग्जैक्ट आंसर आएगा, तो आप इस तरह भी निकाल सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, चला आगे देखते हैं। सपोज कीजिए आपके पास है ये लैंड, आपके पास ये रोड है, स्ट्रीट है, तो आपका प्लॉट है कुछ इस तरह से रेगुलर साइज में, कोई इसका रेक्टेंगल साइज में रेगुलर साइज है। फ्रेंड्स, सपोज कीजिए आपका इस तरह से प्लॉट है, आपकी पता है उसकी अगर चार कोने हैं, चार कॉर्नर है, अगर इसमें चार एंगल है और लाइन बिल्कुल स्ट्रेट है, तो इस पोजिशन क्या करेंगे फ्रेंड्स, आपके पास ये लेंथ है। ओके फ्रेंड्स, तो एरिया निकालेंगे आप, तो एरिया निकालने के लिए लंबाई गुना चौड़ाई होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। फ्रेंड्स, मैंने क्या किया है, इसको कन्वर्ट कर लिया है फीट में 36.166 एज इट इज, उससे दो को हमने डिवाइड से डिवाइड किया तो 0.166 आ गया है, प्लस 30 फ्रेंड्स क्या ये बॉटम। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है इसको एवरेज लेना पड़ता है, एवरेज डिवाइड, अगर तो आपके पास दो लेंथ है तो इसको डिवाइड करते हैं 2 से, अगर 3 लेंथ है तो इसको डिवाइड करते हैं 3 से, ये कंडीशन आती रहती है जहाँ जहाँ पे हमें लेना है। ओके फ्रेंड्स, अगर आपकी ये सपोज कीजिए कोई इस तरह से गहराई है, इस तरह से आपकी ये डेप्थ है, तो आपको इसमें चाहिए डेप्थ, आपको क्या कोई डेप्थ फिक्स है, कोई डेप्थ फिक्स नहीं है, तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, एक ये बॉटम ले लेंगे जो चाहिए आपको, सपोज एक ये वाली लेंथ, एक ये, तो इस तरह से 1 2 3 4, तो इसमें आया 4 कंडीशन। ओके फ्रेंड्स, आपके पास ये लेंथ है, तो लेंथ इनटू हाइट इनटू लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, तो हाइट क्या फ्रेंड्स, ये कंडीशन आ जाएगी, तो 4 से डिवाइड कर देंगे, 1 प्लस 1 प्लस 1 1 प्लस 1, तो 4 प्लस 4 से डिवाइड कर देंगे, तो इस तरह से डेप्थ आ जाती है। तो ऐसे ही एवरेज हम कर रहे हैं 2 से, तो फ्रेंड्स लेंथ आपके पास है 36.16 प्लस 30 फ्रेंड्स ये एंड ये एवरेज निकाला 2 से, तो आपके फ्रेंड्स कुछ इस तरह से रेक्टेंगल बन जाएगा एवरेज निकालने के बाद। ओके फ्रेंड्स, ऐसी ब्रेड चौड़ाई है 10.333 है, आपके पास ये है 10 फीट एज इट इज़ है, हमने 4 को कन्वर्ट किया फीट में, तो 0.333 4 बाई 12, या फिर आप टेबल से ले लीजिए 4 में 0.333 है, तो ऐसे ही ऐसे जी रख दिया है। ऐसे ही अब लेते हैं ये वाली लेंथ, इसके सामने वाली, हमें से याद रखना है कि अब पैरेलल लेनी चाहिए सामने आने सामने वाली, अगर चौड़ाई में ये है तो चौड़ाई में ये है, लंबाई में ये, तो इस तरह से ही लेंगे आप। तो फ्रेंड्स, तो इसको कैलकुलेशन एवरेज निकालने पर आपकी जो एवरेज लेंथ आई, तो ये आई 51.166, इसको डिवाइड मल्टीप्लाई करने पर इसकी आई, इसको प्लस करने पर डिवाइड करने पर 2 से एवरेज चौड़ाई ये, तो आपका फ्रेंड्स ये स्क्वायर फिट में आ जाएगा। इंच में कन्वर्ट कर लेंगे तो आप इस तरह से ही करेंगे, टोटल फिट को आप इंच में कन्वर्ट कर लेंगे डिवाइड 144 से। फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बनी रहे हमारे साथ, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।